स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बी ए बी एस सी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल नंबर 20 और एग्जांपल नंबर 23, ठीक है। ये तीनों बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें हमें यू तो दे रखा है और वी हमें निकालना है। तो जो तरीके एग्जांपल 23 में लगवा रखा है ना, बुक में जो लगा रखा है, वही मैं आपको 19 में भी कराऊंगी, 20 में भी और 23 में भी, ताकि फिर आपके सेम क्वेश्चन हो जाएं। फिर आपको ये ना लगे कि इस क्वेश्चन में ऐसे कि क्या कर दिया, 20 में ऐसा अलग क्यों किया, 23 में ऐसा अलग किया। मतलब जो जिसमें यू दे रखा हो और वी निकालना हो ना, तो उन सारे क्वेश्चन में एक ही तरीका लगेगा जो मैं अभी करवाऊँगी, ठीक है। देखो क्या लगेगा, जैसे यू ऑफ एक्स वाई मुझे दे रखा है, e की माइनस ऑफ एक्स साइन वाई माइनस ऑफ वाई कोस वाई। क्वेश्चन रीड करते हैं कि शो करो जो ये फंक्शन है, पहले हार्मोनिक है फिर वी एक्स वाई निकालो। तो हार्मोनिक है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हार्मोनिक के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर जीरो हो जाए टू प्रूव। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे 2 times, फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे 2 times, उनको ऐड कर देंगे और फिर वो हमारा जैसे 0 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा हार्मोनिक फंक्शन। जैसे यू मुझे दे रखा है ई की माइनस ऑफ एक्स एक्स साइन वाई माइनस ऑफ ई की माइनस ऑफ एक्स वाई कोस वाई। इस तरीके से कर्ली ओपन कर्ल एक्स निकालो, कर्ली ओपन कर्ल एक्स निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ ई की माइनस का एक्स का माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स का साइन वाई माइनस ऑफ ई की एक्स माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया इस तरीके से कॉस वाई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब एक बार और निकालो इसका, तो ई की एक्स का माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स साइन वाई। अब इसका कर दो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का माइनस प्लस हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो ई की माइनस ऑफ एक्स साइन वाई प्लस ई की माइनस ऑफ एक्स वाई ई की माइनस ऑफ एक्स का माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स वाई कोस वाई। इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसके अंदर से ई की माइनस ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो हमारा क्या क्या बच जाएगा, जैसे वो वल्टा में इकट्ठी कर लेंगे। देखो जैसे ये कॉमन ले लिया, हमारी ये टर्म इस तरीके की, जैसे माइनस ऑफ साइन वाई माइनस ऑफ साइन वाई, तो माइनस ऑफ 2 sin y प्लस में एक्स साइन वाई माइनस में वाई कोस वाई। सिमिलरली करके कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर सॉरी कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर ये वाली वैल्यू ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ये आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्ज़ाम में हार्मोनिक बोल रखा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इनको जैसे ये माइनस हो तो वो प्लस कर देना, ये प्लस हो तो ये माइनस, ये माइनस हो तो प्लस, क्योंकि आपको पता हार्मोनिक तो इनका सम 0 आना चाहिए, तो ये माइनस के तो वो प्लस के होंगे, तो सिमिलरली करके ऐसे लिख देना भाई। और अगर टाइम हो तो करके दिखा देना, टाइम ना हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर क्या आ गए, 0 आ गए। ये आपको निकाल के आपको पता चला कि ये आया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 0 आ गया, ठीक है। ये टर्म हो गई। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि यू तो आपको ये दे दिया, अब आप वी निकाल के बताओ कि जो वी है ना आपका वो ये आएगा, ठीक है। अब आपके जो इस वाले एग्जांपल में जो बुक में दे रखो तो काफ़ी इजी लगेगा आपको, लेकिन फिर 20 इस एग्जांपल में कुछ और तरीका है, 23 में कुछ और है, तो सब में कॉमन तरीके के लिए मैं ऐसा करवा रही हूँ। देखो क्या है, यू ऑफ एक्स वाई आपको ये दे रखा है ई की माइनस ऑफ एक्स एक्स साइन वाई माइनस ऑफ वाई कोस वाई, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, जैसे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था अभी, तो ये टर्म आई थी, इसमें से ई की माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा हमारा जैसे वाई ऑफ कोस वाई, मतलब इस तरीके की टर्म आ गई, जैसे हाँ जी वाई ऑफ कोस वाई माइनस ऑफ एक्स ऑफ साइन वाई एंड साइन वाई, ये वाली टर्म्स आ गई। तो लिख लो यहाँ पे जैसे ई की माइनस एक्स कॉमन एक्स ऑफ कोस वाई प्लस वाई ऑफ ई की माइनस एक्स कॉमन साइन ऑफ वाई माइनस एक्स ऑफ साइन वाई
प्लस में वाई ऑफ कोर्स वाई, कुछ भी नहीं किया। एक बार यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या सिमिलर, अगर आप इसका वी वाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपका ये बन जाएगा ई की माइनस ऑफ एक्स एक्स कोस वाई प्लस में वाई साइन वाई माइनस ऑफ कोस वाई। ठीक है, ये बन गया। कुछ यू दे रखा था, वी निकालना है। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। ठीक है, अब जो फंक्शन ऑफ एनालिटिक तो है ही, दे भी रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इस तरीके से फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें क्या करना है, इसको जैसे ये यू के टर्म में, इसको भी यू के टर्म में बना लो। इसको यू के टर्म में किस तरीके से बना सकते हैं सी आर इक्वेशन की हेल्प से, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई होता है माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स के इक्वल होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस आएगा जैसे, तो इसकी जगह ये लिखो पहले, तो इसकी जगह माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, फिर ये जो माइनस आएगा उधर जाके यहाँ पे माइनस लगा देंगे। कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स ये आ गया, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स आ गया माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स ये, ये लिखूंगी मैं नेक्स्ट पेज पे। देखो ये टर्म आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है। वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये डेरिवेटिव है तो वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, जैसे इसका तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं, माइनस ऑफ वी की माइनस एक्स एक्स कोस वाई माइनस ऑफ ई की माइनस ऑफ एक्स वाई साइन वाई माइनस ऑफ ई की माइनस ऑफ एक्स कोस वाई, ये हो गया। जैसे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आईलेट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ माइनस बाहर रख लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का निशान फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स तो ई की माइनस एक्स डी एक्स कोस ऑफ वाई, इसका हो जाएगा प्लस ई की माइनस ऑफ एक्स वाई साइन वाई प्लस ई की माइनस एक्स कोस वाई, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस ई की माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई के प्लस का ई की माइनस एक्स हो जाएगा और कोस वाई ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर लो। देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस, और एक बार और होगा तो एक बार और माइनस आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ऑफ ई की एक्स माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स कोस वाई प्लस ई की माइनस ऑफ एक्स वाई साइन वाई प्लस ई की माइनस ऑफ एक्स कोस वाई, ये वाले टर्म तो हो जाएंगे कैंसिल। ई की माइनस ऑफ एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे कोस वाई भी आएगा साथ में, तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ कोस वाई प्लस वाई ऑफ साइन वाई। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब तक क्या क्या दोबारा देखो, देखो जैसे ये दे रखा था, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फिर हम क्या चाहते हैं पूरी, क्योंकि हमें वी में कन्वर्ट करना है। एक तो ये एक्स में, तो ये भी एक्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, वी में भी कन्वर्ट हो जाए, एक्स में बच जाए, तो सी आर इक्वेशन की हेल्प से ऐसे कर लिया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन होगी वी में, एक्स में। अब मुझे क्या निकालना है, वी, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आंसर आ गया, वी की वैल्यू आ गई हमारी ये। और जैसे ये चीज़ आई है तो साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी आता है, तो वो जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करे तो वाई होगा इसका कॉन्स्टेंट, एफ डैश एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिखना है, तो ये हो गई हमारी वी की वैल्यू। ओके, लेकिन अभी हमें इस एफ ऑफ वाई का नहीं पता ये किस तरीके का है, तो बस अब हमें ये और प्रूफ करना रह गया कि जो ये एफ ऑफ वाई है ना, ये मेरा कॉन्स्टेंट है कोई, फिर आपका आंसर है ना जो वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा एफ ऑफ वाई क्या आ जाए, कॉन्स्टेंट आ जाए, कोई भी कॉन्स्टेंट, इसको मुझे कॉन्स्टेंट प्रूफ करना है। अब इसको कॉन्स्टेंट मैं कब प्रूफ कर दूँ, किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंट कब प्रूफ करते हैं, जब उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए तो हम ये बोल देते हैं वो चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, जैसे इसका हो जाएगा कोस वाई का साइन वाई, तो इस तरीके से। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके ऊपर हम, फर्स्ट आईलेट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसका कोस ऑफ वाई, और फिर ये हो जाएगा जैसे साइन ऑफ वाई ई की माइनस एक्स बाहर होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ डैश वाई, तो ये टर्म आ गई। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई वो किसकी आई है, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई की। सी आर इक्वेशन से कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल होता है, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई हमारे किसके इक्वल होता है, यहाँ पे सी आर इक्वेशन से अगर हम देखें तो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स के,
राइट उसी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली ओपन कर्लेक्स, और जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है वो हमारी सेम है, तो ये भी क्या है, कर्ली ओपन कर्लेक्स है। प्लस में एफ डैश वाई कैंसिल हो गए, तो एफ डैश वाई क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर एफ डैश वाई जीरो आ गया तो इसका मतलब एफ ऑफ वाई क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो इसकी जगह हम कॉन्स्टेंट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वी की वैल्यू आ गई ई की माइनस ऑफ एक्स, एक्स कोस वाई प्लस में वाई साइन वाई प्लस में कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। लास्ट बार देखो दोबारा, फिर ऐसे ही दो क्वेश्चन और करवाऊँ तो गी ही मैं, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यू दे रखा है, वी निकालना है, तो यू कर्ली ओपन कर्ल एक्स निकाला, कर्ली ओपन कर्ल वाई निकाला, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि वी चाहिए वी निकल जाए, तो सी आर इक्वेशन का यूज़ करके वी वाले टर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसका इंटीग्रेशन किया, क्योंकि वी ही चाहिए तो वी इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये वी आ गया यहाँ से। लेकिन ये एफ ओ वाई बच गया, एफ ओ वाई हमें कुछ कॉन्स्टेंट टाइप का चाहिए है, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टाइप का हमें चाहिए है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव अगर जीरो आ जाए तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और ये जीरो हो गया, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 20। देखो एग्जांपल 20 बिल्कुल डिट्टो है और ये उससे भी ईजी है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है। यू शो दैट यू इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट का क्या मतलब होता है, जैसे यू दे रखा, यू और वी आपस में हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं एनालिटिक फंक्शन के अंदर, तो अगर यू दे रखा तो वी निकालो, वही है हमारा हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, तो जैसे यू दे दिया, अब हार्मोनिक फंक्शन पहले हार्मोनिक प्रूव करना है, तो कल स्क्वायर यू ओपन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कल स्क्वायर यू ओपन कर्ल वाई स्क्वायर को जीरो पुट करके दिखाना है। ठीक है, जैसे यू दे दिया तो कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स निकालेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे 1/x इंटू में 2x ही कर्ल यू ओपन कर्ल वाई निकालेंगे, कल स्क्वायर यू ओपन कर्ल एक्स स्क्वायर निकाला, कल स्क्वायर यू ओपन कर्ल वाई स्क्वायर निकाला, ये वाली वाई इन दोनों को ऐड किया तो जीरो आंसर आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक। ठीक, अब मुझे यू तो दे रखा है, वी निकालना है, कैसे निकालेंगे, यू दे रखा है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ये हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या पता है, सी आर इक्वेशन क्यों लगानी है, क्योंकि हमें वी निकालना है और इसको वी की होम में कन्वर्ट करना है ताकि दोनों एक्स एक्स हो जाएं। तो कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स माइनस ऑफ कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स होता है, यहाँ पे वी कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स की वैल्यू, जैसे ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस उधर चला गया, तो यहाँ प्लस हो गया माइनस ऑफ वाई ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, वी, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ये टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ वाई भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उसके लिए हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस एफ डैश वाई आ गया। ठीक है, अब इसका नॉर्मल सॉल्व किया, ये ऊपर चला गया एक्स को, ये कैंसिल हो गया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब सी आर इक्वेशन से कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई होता है किसके इक्वल, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स के, और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स के ही इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ल ये कैंसिल हो गया, तो कर्ल एफ डैश वाई जीरो आ गया, एफ डैश वाई जीरो इसका मतलब एफ वाई कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया हमारा वी। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल नंबर 23 है वो भी बिल्कुल सेम है। देखो कि शो दैट द फंक्शन दिस इज हार्मोनिक डिटरमाइन द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ एंड एनालिटिक। पहले हार्मोनिक प्रूव करना वो तो बुक से ही कर लेते हैं, तो यू ऑफ एक्स वाई जैसे ये दे रखा है, ई ऑफ एक्स वाई कोस ऑफ वाई, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल यू ओपन कर्ल एक्स क्या होगा, ई की एक्स कोस वाई, और इसका माइनस ऑफ साइन वाई हो जाएगा। इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो कोस ऑफ, जैसे ई की एक्स का ई की एक्स ही रहेगा, लेकिन साइन वाई का माइनस ऑफ कोस, सॉरी साइन वाई का कोस हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गई वैल्यू, इनको ऐड कर दो तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो यू सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को, तो यू हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जैसे यू हमें दे रखा है क्योंकि इन्होंने बोला हार्मोनिक कंजुगेट निकाला, तो यू हमें दे रखा है, वी हम निकाल लेंगे। देखो यू दे रखा है, कर्ली ओपन कर्ल एक्स निकाला, कर्ली ओपन कर्ल वाई निकाला, सी आर इक्वेशन की हेल्प से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा। अब वी निकालना, तो इंटीग्रेशन कर दिया एक्स रिस्पेक्ट में, वी की वैल्यू आ गई ई की एक्स साइन वाई प्लस एफ वाई। अब ये वैल्यू निकालनी होती है तो डेरिवेटिव कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ हो गया, ये कर्ली ओपन कर्ल वाई सी आर इक्वेशन से ऐसे होता है, और ये वैल्यू तो हमारी कर्ली ओपन कर्ल एक्स आई होती तो कैंसिल हो गया, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब वाई क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट पुट कर देंगे, वी की वैल्यू आ गई ई की एक्स साइन वाई प्लस सी। ओके, तो ये वी की वैल्यू मैंने आपको निकलवा दी। अब इस क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि एंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, तो ये तो होगी यू की वैल्यू प्लस आयोटा, ये होगी वी की वैल्यू, ई की एक्स कॉमन कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस आयोटा सी, ये क्या होगा ई की आयोटा वाई, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और ई की एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे ई की जेड प्लस डी हो गया, और जहाँ पर डी आयोटा सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 23। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब जो आपके क्वेश्चन वैसे ये बची हैं, जैसे 21 और 22,
यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, ये मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद एक 24th और है, इतना ही करेंगे हम ये चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच। आगे का इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं आता है, और इतने में आपका क्वेश्चन कवर भी हो जाएगा।